तो ट्रेडर्स, अगर आपके ऑप्शन बाइंग इनकंसिस्टेंट है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आप ऑप्शन का डेटा नहीं ढंग से फॉलो कर पा रहे हैं, सेलर्स कहां पर एक्टिव हैं। अगर आप ये समझ लें तो आप ऑप्शन बाइंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं, ये जो येलो लाइन है ये है प्रीवियस डे हाई, ऑलराइट, एंड आप देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के पास से ही रिजेक्शन लिया है एंड मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन और वी वैप के भी नीचे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अब एक बार हम ऑप्शन डेटा देखते हैं। अब कॉल के डेटा में आपको क्या देखना है, आप ये देखिए प्राइस नीचे जा रही है एंड ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स बिल्कुल तगड़ी तरीके से एक्टिव हैं, ठीक है, क्लियर। पुट का डेटा कहता है कि अर्ली मॉर्निंग से ओपन इंटरेस्ट में एक डिक्रीज है एंड प्राइस इंक्रीज करने लग गई है। इसका मतलब जो पुट राइटर्स हैं अपना ग्राउंड छोड़ के भाग रहे हैं एंड पुट खरीदने में ज़्यादा फायदा है, मतलब आपको एक ऑप्शन बायर बनने में यहाँ ज़्यादा फायदा है ना, यू कैन टेक अ ट्रेड हियर। अब आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देखिए, प्रॉपर वीडियो है ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चेन के बारे में। और दूसरी चीज़, इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।